नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी के एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, मतलब बाल्य देखभाल और शिक्षा के बारे में। और उसके अंतर्गत जो हम लोग चर्चा का विषय ले रहे हैं वो है हमारे पाठ्यक्रम का लेसन नंबर 21 और इंक्लूजन, उसका कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करी जाती है, वो एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करेंगे। मेरी चर्चा में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी, साथ में निधि मिश्रा, कंसल्टेंट टीचर एजुकेशन फ्रॉम NIS। मैम, हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, तो इससे पहले कि हम लोग इंक्लूजन की बात करें अपने शिक्षा में इंक्लूजन, तो जहाँ तक इंक्लूजन की बात है, इंक्लूजन को सुनते ही सबके दिमाग में जो एकदम से कॉन्सेप्ट आता है वो ये कॉन्सेप्ट आता है कि द पीपल हु आर डिसेबल्ड, द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और जब स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो स्पेशल नीड्स में भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके थोड़ा सा बाधित हो जाता है कि या तो वो हार्ड टू हियरिंग होंगे या ब्लाइंड होंगे या कोई उन्हें फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मगर यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि इंक्लूजन में डिसेबिलिटी एक फैक्टर होता है, इसके अलावा इंक्लूजन हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों का लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंक्लूजन इन एजुकेशन जब बात हो रही है, तो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, कलर, आपका जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, आपका जियोग्राफिकली सिचुएशंस होती हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, आपकी लैंग्वेज होती है, जेंडर एक रीज़न है, तो बहुत सारे आपकी चीज़ें आ जाती हैं इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि इंक्लूजन जब हम बोलते हैं समावेशन जी, है ना, समावेशी शिक्षा की जो हम बात करते हैं या समावेशन जब बोलते हैं, तो समावेश हम किसे करते हैं? हम सभी को करते हैं, सभी को कर रहे हैं। तो क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट में जब भी बात आएगी तो क्या समझ लिया जाता है कि हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं शिक्षार्थियों को सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जब इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जैसे मैम भी कह रहे हैं, तो सबका इंक्लूजन होगा, वो चाहे विद रिस्पेक्ट टू हमारा रीजन है, कास्ट है, कलर है, आपका कल्चर है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, आपका स्पीकिंग लैंग्वेज है, इवन की जेंडर, जो हमारे लिए एक कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। जो ये भारत देश है ये विविधताओं से परिपूर्ण है ना, और इसे हमें समझना है कि कभी कभी ये जो विविधताएं हैं हमारे सामने और भी छोटी बड़ी अड़चने ले आती हैं कि हम उसे कैसे पूर्ण करें और सभी को एक बराबर सामान्य इक्विटेबल शिक्षा दें। तो इसीलिए NCF 2005, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, 2005 में जब इंक्लूजन को कहा गया, बताया गया, समझाया जा रहा था, तो वहाँ पे मेंशन किया गया कि इंक्लूजन का मतलब है नॉन एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, नॉन एक्सक्लूजन कि आप किसी भी स्तर पर किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी स्तर पर और किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से नहीं छोड़ सकते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, अमीर गरीब की का कारण हो सकता है, आपके कलर का कारण हो सकता है, आपके लैंग्वेज के भेदभाव की वजह से आता है, आपका बॉय और गर्ल का कोई भेदभाव है, तो इन सब चीजों को जो है छोड़ के इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी इक्वली बिल्कुल टू ऑल, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, दैट इज नोन एज द इंक्लूजन इन एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, इंक्लूजन का मतलब ये भी है एम्ब्रेसिंग ऑल द डिफरेंसेस, हम सारे डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करते हैं एंड वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, एंड आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी रियल एसेंस टू द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन, है ना, कि हम और आप अलग हैं, हम समान नहीं हैं और हम इवन जैसे को मानते हैं की बात जी, कर जी, रहे हैं, तो हमारा इंडिया जो अनेकता में एकता वाली बात जो करते हैं, तो जो विविधता हमारे देश में है उस चीज को भी यहाँ पे जो है वो एक इंक्लूड किया गया है, कि आप किसी भी तरह से भिन्न हैं दूसरे से, मगर परंतु आप अगर किसी
चीज़ के, किसी कक्षा के लिए आप एडमिशन के लिए किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको किसी भी आधार पे वहाँ पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको वो वापिस नहीं कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो है वो इंक्लूसिव है, उसमें हम लोग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे को वह कहने के तथ्य कहाँ से आते हैं? वो तथ्य आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा संविधान है। और हम लोग बात करते हैं संविधान की, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21A की, दैट स्टेट्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। सो आर्टिकल 21A जो कि हमें, हमारा संविधान जो है हमें ये बताता है, ये हमें अवगत कराता है कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। और ये जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A, ये बहुत ही मैं यूँ कहूँगी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्फैटिक है, क्योंकि ये हमारा जो लाइफ ऑफ आर्टिकल जो हमारा बताता है, जो हमारे पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, ये वहाँ से आता है। तो ये कहने का यह अर्थ हुआ कि जैसे आपके सर्वाइवल के लिए जीना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एक रेस्पेक्टेबल लाइफ के लिए आपके लिए शिक्षा उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टिकल 21A का रेलेवेंस जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए, जहाँ पे आपका लिखा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है वो सबके लिए सामान्य तौर पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिल सकता या यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स इक्वल फॉर ऑल। और जब हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में ही इक्वलिटी का क्या मतलब है वो आपको क्लियर कर चुके हैं। देखिए, जैसे जैसे डिमांड, जिस तरह से जो चीज़ें आती गई उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता चला गया। तो देखिए, 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था जो ये कहता है। देखिए, पहले तो हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आपको एक राइट है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी का, जबकि 86 अमेंडमेंट में जो है आपकी ये बात कर दी गई है कि आपका जो वो एजुकेशन सिस्टम है वो राइट बन गया है। वहाँ पे आपके इक्वल राइट की बात कर रहा है कि वो आपका इक्वल राइट बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 21A आपके अधिकार की बात करता है कि आपको एक, इट इंश्योर्स यू फॉर अ इक्विटेबल एजुकेशन, है ना। और जब क्वालिटी राइट की बात है तो यूनिवर्सल एजुकेशन, जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, वन थिंग इट शुड बी फ्री, द सेकंड इट शुड बी कंपलसरी। इट्स नॉट द चॉइस ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे कंपलसरी इसलिए करना पड़ा कि कई बार के कुछ लोग जो है वो अपने घर के कुछ दायित्वों के कारण बच्चों को जो घर पे रोक लेते हैं, और स्पेशली गर्ल्स को। तो गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए जो आपकी यूनिवर्सल जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे फ्री किया गया, कंपल्सरी किया गया और यूनिवर्सल किया गया, ताकि आपका जो 6 to 14 ईयर्स है, तो एक फंडामेंटल जो एजुकेशन है, जो जरूरी शिक्षा जो होती है हम लोग कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए, वो बच्चों को मिल सके। तो दैट इज फॉर द एज 6 to 14। सिमिलरली नेक्स्ट जो अमेंडमेंट था वो आपका 93rd अमेंडमेंट था, जिसमें इसने कहा है कि इट्स ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये प्रावधान होता है, इस वजह से जो है हम लोग जो है इसे कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव है। अब ये इंक्लूसिव लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान ने हमें प्रावधान दिए कि इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, मगर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की एजुकेशन क्यों होनी चाहिए और उससे पहले एजुकेशन का स्तर क्या था, तो उस पर हम लोग बात करेंगे।
जी हाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि क्यों हमें आवश्यकता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की अपनी शिक्षा प्रणाली में, हमें क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हमें बच्चों को समावेश करना है। तो इस पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज़ या प्रैक्टिसेस की जो हम बात करते हैं, वह हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले, ये ऐसी बात नहीं है कि ये इंक्लूजन एक नया शब्द है या ये एक नई स्ट्रैटेजी है, इसके पहले भी हम बच्चों को अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली में हम उनको जोड़ने की बात करते थे, जो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे थे किसी भी कारणवश से। परंतु इसको हम जानते थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के माध्यम से, है ना, इंटीग्रेट करना था, या फिर ये भी था कि स्ट्रीम करना है, क्या था कि अलग अलग स्कूल्स थे, बिल्कुल, तो वो जनरल स्कूल्स में बच्चों को नहीं डालते थे क्योंकि वहां पे ये लगता था कि इनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होगी, इनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वो डील नहीं कर सकते। वो रेगुलर स्कूल्स में उनकी जो है नामांकन नहीं होती थी, उनकी भर्ती नहीं होती थी, उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजा जाता था। परंतु अब ये प्रावधान आया है कि इंक्लूसिव जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है ज्यादातर, हाँ, कि बच्चों को समावेश करें। क्योंकि देखिए, हमें यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में प्रॉब्लम उनके किसी भी गुण के कारण या उनकी किसी कैपेसिटी के कारण ये नहीं होना चाहिए कि वो शिक्षा में पिछड़ जाए। यहाँ पे देखिए, हमारे पास मैम बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन कि हमारा जो अपना सक्सेस स्टोरीज में आप देखेंगे तो हमारा जो बच्चा है वो खुद मतलब काफ़ी आगे तक उसने गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इंक्लूजन आया, उस इंक्लूजन का मतलब था कि आपका जो भी बच्चे हैं वो आपके स्पेशल नीड्स के हैं, मगर उनको हम लोग रेगुलर स्कूल में रेगुलर स्ट्रीम के साथ ले लेंगे। जी हाँ, रेगुलर स्ट्रीम में लेने का जो कारण था, जो रीज़न था, वो ये था ताकि बच्चे जो अपने आप में एक हीन भावना उनमें आ जाती थी, क्योंकि उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो सोशली भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहते थे, आइसोलेशन फील करते थे, तो वो आइसोलेशन जो था वो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका ब्रेक करता था, उन्हें लोगों से खुद को डिफरेंट फील करता था। इवन इसका पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि जो जनरल बच्चे थे, क्योंकि उनका उनके साथ उठना बैठना नहीं होता था, वो उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती थी, तो वो चीज़ें वो उनको फील नहीं कर पाते थे। तो इंक्लूजन जब एजुकेशन में आया तो सबसे पहला जो था कि उनको रेगुलर स्कूल में लिया जाए, ताकि रेगुलर स्टूडेंट जो है वो उनको समझ सकें, उनको ऐसा ना लगे कि वो डिफरेंट है। और जो वो बच्चे हैं जो आइसोलेशन में थे, वो बच्चे उस रेगुलर स्कूल में आके उन्हें एक फील गुड आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम लोग भी वैल्यूड हैं, हाँ, हम भी इक्वल हैं। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी डेलॉर्स कमीशन का, जो ये कहते हैं, यूएन का कमीशन था, द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर दे लर्न टू लिव टुगेदर, जो साथ पढ़ते हैं वो साथ आगे जीना सीखते हैं। देखिए आप सोचिए, जब हम लोग दो लोग साथ पढ़ते हैं तो उनमें फ्रेंडशिप भी होती है, एक दूसरे के जो कमी है वो दूसरा आदमी उसे सपोर्ट भी करता है, और ऐसा कहीं नहीं है कि अगर मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेंटली भी होगी, या मुझे एक फील्ड में हो सकता है, मुझे मैथ अच्छा लगता है, आपको साइंस अच्छी लगती हो, ठीक है ना, तो अगर मैं आपको मैथ में असिस्ट कर सकती हूँ, आप मुझे साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हैं। सिमिलरली जो है, हर एक आदमी जो है, यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, वो बात मुझे बहुत अच्छी सी लगती है कि इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम डिसेबिलिटी टू द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है इंक्लूजन की, जो कि आप लोग इसमें भी देख रहे होंगे स्लाइड में, देखिए, इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम डिसेबिलिटीज टू द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स कि अब हम लोग बच्चे पे जो डिसेबिलिटी है कोई एक, उसको छोड़ के उसमें जो बहुत सारी खूबियां हैं उन पे फोकस करेंगे, और दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव। और यहाँ ये मैं मेंशन करना चाहूंगी उदयना मैम कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना है, एज पर द नीड के अनुसार, कि जैसे जब हम लोग रेगुलर स्कूल की बात कर रहे हैं और रेगुलर स्कूल में हम इस तरह के बच्चों को जब लेंगे, और यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पे अभी हम लोग पॉलिसीज पढ़ेंगे तब भी आपको पता लगेगा कि जब इंक्लूजन की बात हो रही है तो इंक्लूजन एक तरह की जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनके भी मेजर होते हैं, माइनर, आपका सीवियर, माइनर, माइल्ड, यहाँ पे जो आपका माइनर और माइल्ड जो है वो तो इंक्लूड किए गए हैं, मगर जो सीवियर वाले हैं
उनके लिए फिर भी वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है, क्योंकि उनके लिए सचमुच में ही स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उनकी स्पेसिफिक नीड है, उनके अलग तरह के जो हैं उनके नीड हैं, जिन्हें हमें केटर करना है बहुत ही टेलर्ड वे में, इंडिविजुअलाइज्ड वे में, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। बिल्कुल, इसलिए हमें उस तरह के बच्चों को जिनकी जो सिवियरिटी, जो डिजेबिलिटी की है वो अगर ज़्यादा है ना, वो हाई है, तो हमें उन्हें स्पेशल स्कूल में डालना होता, अन्यथा हमारी यह कोशिश रहती है कि वो रेगुलर टीचर्स की, हाँ, कि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉलो करें और सभी बच्चों को अपने शिक्षा प्रणाली में समावेश करने की एक अहम भूमिका जो है शिक्षक उसको निभाए, जिसे हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि कोई भी बच्चा ये शिक्षा प्रणाली में कहीं पीछे ना छूट जाए किसी भी कारण, किसी भी कारण से। और जब सब तरह के बच्चे होंगे वहाँ पे, हर धर्म के, हर कलर, कास्ट, स्पीड, लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग डिसेबिलिटीज के, तो इट मेक्स ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव, सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एजुकेशन सिस्टम फॉर द एज पर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है इट इंश्योर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिकॉज आपके सभी तरफ बच्चे हैं और आपके आप अलग अलग बच्चों के साथ, देखिए हमारे पास अगर अलग अलग ट्रेडिशन के बच्चे हैं तो अलग अलग ट्रेडिशन का वहाँ पे वो इन्वॉल्व होंगे, और उस वजह से जो हमें एक दूसरे का ट्रेडिशन सीखने को मिलेगा, एक दूसरे का कल्चर सीखने को मिलेगा, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सोशल स्किल को बढ़ावा देता है, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तभी मैंने बोला कि द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर, जो मैंने कोट किया, द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर दे लर्न टू लिव टुगेदर, एंड इट्स अ वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस। बिल्कुल, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल। हालांकि जब हम लोग सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे तभी हम लोगों ने साथ साथ में बेनिफिट्स भी बात कर ली है, मगर फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या फायदा होगा, देखिए पहले इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आजकल बहुत हो रही है, हमने आपको बताया इंक्लूजन का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, उसके साथ उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, और इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि उसके कुछ फायदे हैं। तो अब फायदे जो हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमने सिग्निफिकेंस बात कर रहे थे सेम कहीं ना कहीं वही आपके बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो डेफिनेटली इट इंश्योर्स चिल्ड्रन राइट टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो बच्चे का अधिकार है कि उसको जो है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, तो डेफिनेटली जो है आपका अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है तब हम लोग चाइल्ड राइट को जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं होता तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा हमारा जो है वो इस राइट से छूट जाता। हाँ, और इक्विटेबल भी होगा, इक्विटेबल भी होगा कि हम बच्चों की जरूरत के अनुसार हम उन तक पहुंचेंगे, है ना, कि अगर हमें दौड़ना कम आता है तो मुझे किसी दूसरे तरीके से मेरी प्रतिभा को उसका जो है अवलोकन किया जाए या आंका जाए, कि शिफ्टिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, चलो उसे कोई चीज नहीं आ पा रही है, मान लो उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो इस चीज को उस तरह से नहीं कर सकता, मगर वो किसी और तरीके से कर सकता जी है। जी हाँ, बहुत सारे उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, मुझे यहाँ गार्डनर की थ्योरी भी, उनका भी दिमाग में जो है एक नाम आया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस है, आप बच्चों का जो है असेसमेंट उस बेसिस पर कर सकते। और इसमें जो रोल रहता है वो टीचर का रहता है कि वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा और कैसे उसे जो है वो एक उसकी एबिलिटी को बेस बना के बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करेगा, पोर्टफोलियो बना कर इसी तरह से जो है इट इंश्योर्स द मैक्सिमाइज एजुकेशनल पोटेंशियल ऑफ द बिल्कुल सही चाइल्ड, क्योंकि आपने जैसे अभी अभी आपने बात करी कि उसकी जो एबिलिटी है, मान लो जी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो एक हो सकती है, दो हो सकती है, मगर एबिलिटीज तो चार हो सकती है, दस हो सकती है, तो हमारा जो एक नजरिया हो गया था कि वो हम लोग सिर्फ डिसेबिलिटी पे फोकस करते थे और जो बच्चे की एबिलिटीज है उनको ध्यान नहीं देते थे, तो यहाँ पे जो बच्चे की जो भी एजुकेशनल पोटेंशियल है उसको स्ट्रेंथन करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव या दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग एक और बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है तो यहाँ पे हर एक बच्चे का जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैटर लिया जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैम ये है कि जब सब लोग, देखिए मैंने अभी अभी पहले बात करी थी कि
जब हम लोग इंटरैक्ट नहीं करते हैं ना जी, तो जी. हमें सिंपैथेटिक सा फील होता है, हाय रब कैसे करता होगा ऐसा है. हमने अपने स्टाफ में देखा वी हैव ए इंक्लूसिव स्टाफ, तो अब वो सिंपैथी वाली फील नहीं आती है. अब हम लोग ना उसके प्रति अवेयर हो गया है, सैनिटाइज्ड हो चुके हैं इसके बारे में कि क्या है, और उसके वजह से हम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल लगता है भैया. ठीक है, एक जगह में अगर कहीं गैप है तो वी कैन स्ट्रेंथन दिस गैप, थोड़ा मैं करूं थोड़ा आप करें जी, और बिल्कुल वी विल ब्रिज द गैप जी हाँ. तो ये सबसे अच्छी बात है जो हम लोगों को फायदा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का. बच्चे जो हैं वो एक दूसरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे समझने, और मुझे एक आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ था तो मैंने देखा कि जो वो फ्रेंड्स थे, तो जब वो फ्रेंड्स में गेम खेल रहे थे तो एक बच्चा था वो टांग में उसके प्रॉब्लम था, तो जब वो गेम खेलने लगे और इट वाज द कंपटीशन, तो दो बच्चे जो स्वस्थ थे उन्होंने अपनी एक जो टांग थी वो बांध ली, और वो इक्वल जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ एक जैसे. तो भैया तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि वो उनके उन्हें उनके उसके प्रति जो एक अपना भावना थी जो अपनापन था, जो एक लगाव था, हो जाती एक एम्पथी थी, फ्रेंडशिप जो अब उन्होंने डेवलप कर दी थी, तो उन्होंने वो उसके इनके इक्वल नहीं आ सकते थे, मगर उन्होंने उसके इक्वल खुद को बना खुद के देन दे पार्टिसिपेटेड. बिल्कुल, सो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. ये शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथी टू एम्पथी हो गया है ना, ये सिंपैथी से एम्पथी, क्योंकि सिंपैथी जो है वो बस थोड़ी देर के लिए तरस आता है, आपको सेंसिटाइज नहीं करता किसी भी मुद्दे से जी. तो यहाँ पे दैट इज अ बेनिफिट. फिर आपका आ जाता है इट मोबिलाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स टू एजुकेशनल सिस्टम इंप्लीमेंट इंक्लूजन. ये संभव ही नहीं है बिना उसके इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, जब तक हमारे शिक्षा प्रणाली के सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व ना हो. कहने का ये मतलब हुआ कि टीचर, आपकी शिक्षक और आपके संस्थान के सारे प्रबंधक, आपके चाहे आप प्रिंसिपल ले ले, चाहे आप जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ ले ले, या अगर आप अपनी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें भी आप एक रैंप बनवाते हैं बच्चों के सुविधा के अनुसार, आप अपने संस्था में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लेके आते हैं. यहाँ पे मैम जब बात कर रहे हैं कि हम लोगों के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा, हाँ, सभी का है. तो देखिए सबसे पहले क्या था कि पहले पेरेंट्स ही अवेयर नहीं थे. पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वो उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चों को हम शिक्षा दे भी सकते हैं. सही बात है. तो वो पहले से ही खुद को ही मतलब तो एक जो अवेयरनेस नोशन रखते हाँ, थे. तो घर में भी अगर बच्चे दो हैं और एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आपका बोल कि वो पहले से ही वैसा रहता है. मगर अब जो पेरेंट्स का है वो स्ट्रैटेजीज चेंज कर करके स्कूल उस हिसाब से देख के कि कहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उस तरह से वो जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं. कम्युनिटी में लोग जो है वो स्कूल्स में इस तरह के इक्विपमेंट्स जो बच्चों को सीखने में मदद करें हाँ, या बच्चों को किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं वो वहाँ पे डोनेशन करते हैं या फिर कहीं से अरेंज करते हैं, ताकि वो इंक्लूसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है और हमारी शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह से बदलाव ला रही है कि हर तरह के बच्चों को उन तक हम पहुंच सके. बच्चे में किसी भी तरह की जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ना, जिसको जब आज हम बात करते हैं तो अब हम इन्हें संबोधित करते हैं दिव्यांगजन से, कि उनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी, कुछ दिव्य है. मतलब पहले जो वो आपके उनको जो कहते थे हम लोग कि हैंडीकैप्ड, अब वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं. और आपका जो हिंदी में आप कह रहे हैं दिव्यांग, इसका पहले वाला शब्द मैं भूल रही हूँ, मगर देखिए दिव्य अंग हैं उसके. दिव्यांग मीन्स दिव्य अंग. अगर उसके पास कोई एक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई एबिलिटी है जो उसे कंपनसेट उसको कर देगी वहाँ पे. बिल्कुल. अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी है कि इंक्लूजन होता क्या है, और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि सिग्निफिकेंस, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, इम्पोर्टेंस क्या, क्या जरूरत पड़ी. और उस जरूरत के माध्यम से हमने देखा कि वो जरूरत पड़ी तो संविधान में उसके लिए जो प्रावधान किए गए बदलाव लाए गए, और उन प्रावधान के बदलाव की वजह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल हमारे बीच में है उससे बच्चों को जो बेनिफिट्स हुए वो बेनिफिट्स भी हम लोग देखते हैं. अभी हम लोग बात करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज के लिए कि किस तरह से. देखिए इंक्लूसिव तो हमने कर दिया,
हम बच्चे को जो जो आपके माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं या जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है अपने साथ, मगर उनको हम लोग क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है वो उनको हेल्प करेंगी, इसी के साथ हम लोग चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। धन्यवाद योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।